उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर से सगन में थाने से चंद कदम की दूरी पर शहर के प्रतिष्ठित सराफा व्यापारी के यहां अज्ञात चोरों ने रविवार की रात्रि चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस गश्त पर उठे सवालिया निशान। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ एवं थाना प्रभारी उदय भी मलिक ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए फिरोजाबाद से अमलिस राजपूत सहित सचिन जैन की खास रिपोर्ट। तो ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई है, ये सीतारंग की श्रेष्ठ जगह मानी जाती है। अगर ये जगह भी सुरक्षित नहीं रही तो मैं समझता हूँ सीतारंग की कोई भी दुकान सुरक्षित नहीं रह पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के काल में भी अगर इस चोरी का पर्दाफाश नहीं हो पाता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। ये जगह बिल्कुल श्रेष्ठ जगह है, थाने से लगभग 50 या 60 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पूरी रात आवागमन रहता है, प्रत्येक आधा घंटे में कोई ना कोई वाहन इस रोड के पास होता रहता है। क्या इधर पुलिस पिकेट नहीं रखती जी? रात में पुलिस गश्त नहीं रहती क्या? पुलिस का गश्त भी होता है पूरी रात। सर क्या नाम है आपको? मेरा नाम अतुल प्रकाश फरसैया है। मेरा यह सराफे का काम है। क्या घटना हुई है? शाम को 6 बजे दुकान बढ़ा के हम अपने घर चले गए। सुबह जब 9:30 बजे दुकान खुलने के समय दुकान खुली है तो पाया यहाँ पर तिजोरी नहीं है। तिजोरी में क्या है ये तो भाई साहब स्टॉक से पता लगता है, जो भी सामान है वो रिकॉर्डेड है। अब ऐसे मैं अचानक आपको बता दूँ क्या है वो नहीं है। मेन गेट से कोई आया नहीं है, गली के दरवाजे से ही उसने आने का प्रवेश किया है। और इसमें कम से कम मैं कहता हूँ 8-10 लोगों का इन्वॉल्वमेंस है। और ये मामूली बात नहीं है कि इतनी बड़ी भारी तिजोरी को ले जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। कैमरे नहीं लेते आप? कैमरे थे, कैमरे का DVR वो जो भी आए थे कल्पित लोग वो अपना निकाल के ले गए हैं। मेरी जगह से था कि मेन रोड थाने से इतनी दूरी बचते थे। हाँ, और थाने से तो बिल्कुल ही निकट है, ये रोड ही थाना रोड है।